अस्सलाम वालेकुम कुकिंग विद सीमा खान। आज हम आपको खास टिप और ट्रिक के साथ स्प्रिंग रोल फोल्ड करना और फ्राई करना बताएंगे, जिससे हमारे स्प्रिंग रोल एकदम क्रिस्प बनेंगे और फ्राई करने के बाद भी ये नरम नहीं पड़ेंगे, खाने में बहुत ही मज़े के लगेंगे। अक्सर हम रोल फ्राई करते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो नरम पड़ जाते हैं, जो खाने में अच्छे नहीं लगते। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गैस पर एक पैन रख दें। इसमें हमने 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया। ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। 1 बड़ी साइज़ की प्याज को हमने चॉप करके डाल दिया है। प्याज को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक प्याज का कच्चापन दूर नहीं हो जाता। प्याज का कच्चापन अच्छी तरीके से हमने दूर कर लिया। अब हमने 100 ग्राम गाजर ले ली है, 150 ग्राम पत्ता गोभी ले लिया। गाजर को हमने लंबा लंबा पतला पतला काट लिया है और पत्ता गोभी को भी हमने लंबा लंबा काट लिया है और एक छोटे साइज़ के शिमला मिर्च को भी हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है। आप चाहे तो लंबाई में काट सकते हैं। अब प्याज का कच्चापन बहुत अच्छे से दूर हो गया है। 300 ग्राम हमने उबली हुई चिकन का रेशा डाल देना है। हमने 300 ग्राम बोनलेस चिकन लेके उसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1/2 टीस्पून नमक डाल के 1 कप पानी डाल के इसको मीडियम फ्लेम पे गला लिया था। जब चिकन अच्छी तरीके से गल गया, पानी खुश्क हो गया, तो उसे ठंडा करके इसका रेशा हमने कर लिया। अब इसमें हमने 1 टेबल स्पून शिरासा हॉट चिली सॉस डाल दिया है। ये थाई चिली सॉस होती है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1 टेबल स्पून आप भर के डालेगा। 1 टेबल स्पून इसमें हमने टमाटो सॉस डाल देना है। हमें टमाटो सॉस का इस्तेमाल करना है, टमाटो केचप का नहीं। अब इसमें हमने 1 टीस्पून भर के डार्क सोया सॉस डाल दिया है। अब इसमें 1/2 टीस्पून हमने काली मिर्च का पाउडर डाल देना है, ब्लैक पेपर पाउडर, और 1/2 टीस्पून इसमें हमने वाइट पेपर पाउडर डाल दिया है। 1 टीस्पून सफ़ेद सिरका हमने डाल दिया है और 1/2 टीस्पून इसमें वाइट पेपर पाउडर डाल दें। अब सबको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें हमने सब्ज़ी को डाल देना है। इसमें हमने 100 ग्राम गाजर ले ली है, 150 ग्राम पत्ता गोभी ले लिया था और 1 मीडियम साइज़ के शिमला मिर्च को चॉप करके डाल दिया है। सब्ज़ी में पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा। अगर सब्ज़ी में पानी रहा तो हमारी फिलिंग बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी, तो हमारे स्प्रिंग रोल खाने में इतने अच्छे नहीं लगेंगे। अब इसमें नमक डाल दिया हमने 1 टीस्पून लेवल करके, क्योंकि हमने चिकन बॉईल करते वक्त भी नमक डाला था और सॉस में भी नमक होता, तो नमक बहुत एहतियात से डालिएगा। अब सबको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें हमने 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई डाल दी है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप मिर्च और डाल सकते हैं। अब इसमें हमने दोबारा से 1 टेबल स्पून हॉट चिली सॉस डाल दिया है और 1 टेबल स्पून टमाटो सॉस डाल दिया है और 1 कप हरी प्याज डाल दिया। इस पर थोड़ा सा हमने वाइट पार्ट का भी इस्तेमाल किया है। अब सब्ज़ी डालने के बाद सिर्फ हमें 2 से 3 मिनट पकाना है तेज़ आँच पर, और उसके बाद गैस का चूल्हा में बंद कर देना है ताकि सब्ज़ी का क्रंच बना रहे, क्योंकि फ्राई होने के बाद भी ऑयल में थोड़ा कुक होएगी, इसलिए सब्ज़ी का क्रंच बना रहे, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। और इसी तरीके से रहना चाहिए, बिल्कुल सब्ज़ी पानी ना छोड़े, इस बात का आप ख्याल रखें। अब इसे हमने अच्छी तरीके से ठंडा कर लिया। अब इसमें हमने चीज़ क्रश करके डाल देना है। यह ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें। लेकिन बच्चों को क्या है, चीज़ खाना बहुत पसंद है, इसलिए हमने इसमें चीज़ डाला है और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब चीज़ को अच्छी तरीके से क्रश करके हमने मिक्स कर लेना है। हमने रेडीमेड स्प्रिंग रोल की पट्टी का इस्तेमाल किया है, शीट का। अब सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद हमने स्प्रिंग रोल की पट्टी को निकाल लेना है। इसे आप किसी भी कपड़े में लपेट के रखें या किसी ढक्कन से ढक के, ताकि ड्राई ना होने पाए। अब हमने 2 शीट निकाली है और इसे इस तरीके से रखेंगे और 1 शीट के हमने टुकड़े का काट लेना है कैंची की मदद से। हम एक पैच के तौर पे इसका इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारे स्प्रिंग रोल बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। नहीं तो हम सब्ज़ी की जब स्टफिंग रखते हैं तो नीचे से हमारे रोल थोड़े से नरम पड़ जाते हैं और फ्राई होने के वक्त बहुत सारा ये ऑयल पीने का डर रहता है। इस तरीके से पैच लगा के जब इसके ऊपर हम फिलिंग रखेंगे तो हमारे रोल बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होंगे और खाने में बहुत ही मज़े के लगेंगे। इस तरीके से आप
पेस्ट लगा दें नीचे और उसी के ऊपर हमें फिलिंग को रखना है। इस तरीके से आप रोल बनाइएगा, इंशाल्लाह आपके रोल बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अब इसे ऊपर की तरफ हम टाइट हाथों से रोल करेंगे, हमें बहुत टाइट हाथों से इसे रोल करना है ताकि ऑयल में जाने के बाद ये खुले ना और इसमें ऑयल ना जाने पाए। अब दोनों तरफ से इसे फोल्ड करके एक एनवलप की शक्ल में आप इसे रख लें इसी तरीके से। और मैदे की हमने थोड़ा सा पानी डाल के घोल तैयार कर लिया था, इसे लगा देंगे। इस तरीके से आप इसे फोल्ड कर दें। ये रोल इतने मज़े के बनते हैं और ना ज़रा भी नरम पड़ेंगे ना ज़रा भी ढीले पड़ेंगे, इतने अच्छे बनते हैं। अब दोबारा से हमने एक पैच रख दिया है काट के और उसी के ऊपर अपने फिलिंग को फैला लेना है। इसी तरीके से आप ज़रूर बना के देखिएगा, इंशाल्लाह ये फ्राई होने के बाद भी बहुत देर तक नरम नहीं पड़ते। और ना स्प्रिंग रोल का कलर ख़राब होगा कि उसका सॉस का नीचे से पानी आ गया हो या कुछ आ गया हो, ये साफ़ सुथरे ऐसी सफ़ेद रोल बनके तैयार होते हैं। अब इसी तरीके से हमने सारे रोल बना लिए हैं, देखिए बिल्कुल साफ सुथरे रोल है हमारे, बिल्कुल सब्ज़ी का ना कोई निशान है ना कुछ है, इतने अच्छे से ये बन के तैयार हुए हैं। अब ऑयल हमने रख दिया है गैस पर, ऑयल बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे हम फ्राई करेंगे। एक बार में जितना रोल आए आप इसमें डाल दें और मीडियम फ्लेम कर दें, और मीडियम फ्लेम पे इसे आप 12 से 15 मिनट के लिए फ्राई करें, क्योंकि जितना मीडियम फ्लेम पे फ्राई होगे खाने में उतने ही क्रिस्प बनेंगे। अगर तेज़ आंच पे आप फ्राई करेंगे कलर तो आ जाएगा लेकिन स्प्रिंग रोल में हमारे क्रिस्पीपन नहीं आएगा खाने में, इसलिए आप मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करें। जब मीडियम फ्लेम पे हम एक जैसे टेम्परेचर पे इसे फ्राई करेंगे तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आएगा और बहुत ही मज़े के क्रिस्पी ये बन के तैयार होंगे। अब बहुत अच्छा सा कलर आ गया है तो इसे हमने एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेना है। इसी तरीके से आप बनाएं, माशाल्लाह बहुत ही मज़े के बने थे, ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें। चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया उनसे मेरी खास रिक्वेस्ट है चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें, अपना प्यार बनाए रखें। जो भी पकाएं दिल से पकाएं, प्यार से घर वालों को खिलाएं। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।